हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक यूट्यूबर है तो आप सही जगह पे वीडियो देखने के लिए आए हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। यदि इस वीडियो को आप मिस कर देते तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम यशु पटेल और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस यूट्यूब चैनल। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब बटन पे जल्द से जल्द प्रेस कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की जो वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो इस टॉपिक पे, जो आपका यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है काफी दिनों से, तो उस प्रॉब्लम पे मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हालांकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा अपने ओर से ट्राई करूंगा कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है वो यही है कि अभी आपको पता होगा कि जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज है उन पे जो एड्स रन होते हैं तो उसके एड्स में एक रिस्ट्रिक्शन आता है, वो ग्रीन डॉलर होता है या फिर येलो डॉलर होता है या फिर रेड डॉलर होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी कभी कभी हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं तो वहां पे अभी रेड डॉलर हो जाता है सडनली, फिर हम वहां पे अपील करने जाते हैं तो उससे पहले वो ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कभी जो येलो डॉलर होता है और रेड डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो एक छोटा सा मे बी यूट्यूब का बग हो सकता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आप अपील कर देते तो अच्छी बात है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपको 100% पता है कि हमारे वीडियो में ऐसा कोई गलत नहीं है, हमने कोई ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, फिर भी हमारा जो डॉलर है वो येलो या फिर रेड हो जा रहा है, तो आप अपील कर सकते हैं, तो आप अपील कर दीजिएगा, आपको बेनिफिट रहेगा फ्रेंड्स, और यूट्यूब की टीम आपको श्योर रिप्लाई करेंगी। अब सेकंड नंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी अर्निंग बेस पे, यानी कि हमारी रिवेन्यू से लेके ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों का चैनल मोनिटाइज हो जाता है उससे एक आदत पड़ गई होती है, जब मोनिटाइज नहीं होता उससे पहले, कि खुद की वीडियो खुद से देखने की, राइट। तो मैं हर बार काफी सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि आपको कभी भी खुद सी वीडियो खुद से नहीं देखनी है, आपका चाहे चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक हैबिट पड़ जाएगी और आप उसी ईमेल आईडी से आप अपना यूट्यूब बार बार देखोगे आपका ही वीडियो, तो आपका जो एडसेंस होता है वो डिसेबल होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं 100% इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इनमें से 50% मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे। तो इसका भी मतलब ये होता है कि मैं जो 100% बोल रहा हूँ उसमें से आप शायद से 50% मेरी बात का यकीन करो, लेकिन जो जो लोगों के साथ हुआ है उनका मेल मुझे आया, उसका मैसेज मुझे आया, तभी मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हो रहा है और वाकई में होता है। सो आपको आपकी वीडियो खुद से कभी नहीं देखनी है, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ हो या ना हुआ हो, फिर मुझे मत बताना, फिर किसी यूट्यूबर को मत बताना कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमारा एडसेंस डिसेबल हो चुका है, थोड़ी सी हेल्प कर दो। उसका सॉल्यूशन मैं दिल से बता रहा हूँ यार, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका एडसेंस एक बार डिसेबल हुआ तो उसको रिड्राइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। और यदि आपको एक चीज और नहीं पता है तो एक बता देता हूँ कि आपके एक नेम से एक ही एडसेंस मिलता है, दोबारा आपको लेना है दूसरा अकाउंट के लिए तो आप अपने फैमिली का पान डिटेल डाल सकते हैं, यानी कि जो आधार प्रूफ होता है वगैरह रहता है वो सब आप डाल सकते हैं, राइट। डिटेल में वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएंगी। थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही है कि हमारा जो वीडियो होता है जो हम अपलोड करते हैं वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पहले हमको मिसलीडिंग में डाल देता है या फिर रिव्यू कंटेंट में डाल देता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हम खुद से क्रिएट करते हैं। कैसे? तो मैं बता देता हूँ। काफी सारे लोगों का मैंने डिस्क्रिप्शन चेक किया है, जब मैं लाइव टेस्टिंग करता हूँ यूट्यूब में, लाइव आके जब चैनल चेक करता हूँ तो वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते रहता हूँ लोगों का। तो वहां पे होता क्यों है कि आप लोग जो टैग्स लगाने होते हैं वो आपको 10 या 15 ही लगाने होते हैं, तो आप वहां पे कंप्लीटली भर के रख देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी वही टैग आपको कॉपी करके पेस्ट करके रखते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। ऐसा आप करोगे तो यूट्यूब यही समझेगा कि सारा के सारा जो डेटा लिख रहे हैं वो मिसलीडिंग डेटा है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो आपके कंटेंट को मिसलीडिंग कंटेंट में डाल देगा। अब दूसरी जो उसमें ही एक चीज आती है, प्रॉब्लम आती है, वो यही है कि आप दूसरे के वीडियो उठा के अपने वीडियो पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके
अपनी चैनल पर डाल देते हैं, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम को यही चीज पता चल जाती है कि ये वीडियो का जो लेंथ है, जो क्लियरिटी है वगैरह सब कुछ सही है, जो कि ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हुआ है, तो दोनों मैच होता है, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम एक वीडियो यानी कि जो लास्ट में अपलोड हुआ होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट ऑलवेज पहले अपलोड हुआ होता है, उसके बाद सारे कंटेंट अपलोड हुए होते हैं, राइट। तो इसी वजह से यूट्यूब आपको रिजेक्ट करता है इसी चीज को लेके। तो आपको ना ही तो कोई मिसलीडिंग डेटा यूज करना है, ना ही तो कोई किसी का कंटेंट यूज करना है, आप खुद से कंटेंट क्रिएट करिए और ग्रो करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मेक श्योर आपको ग्रो मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस चीज का भी आपको एक सॉल्यूशन मैं यही दे सकता हूँ कि आप अपने आप ही खुद से प्रिपेयर होइए और ग्रो कीजिए। जी फ्रेंड्स, इसके अलावा तीन प्रॉब्लम्स के अलावा और कोई प्रॉब्लम्स आपको आती है तो आप हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे @yashupatel_88 पे फॉलो करके वहां पे भी मुझे DM कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।